आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, आज देखेंगे हम बूटस्ट्रैप स्क्रॉल स्पाई। क्या देखेंगे? स्क्रॉल स्पाई। तो स्क्रॉल स्पाई कहाँ पे यूज़ होता है, पहले एक सिंपल डेफिनेशन को देखते हैं। हम कहते हैं स्क्रॉल स्पाई इज़ यूज्ड टू ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स इन ए नेविगेशन बार, नेविगेशन लिस्ट बेस्ड ऑन स्क्रॉल पोजिशन बेस्ड ऑन। फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपसे। अब ये सेट स्क्रॉल स्पाई इज़ यूज्ड ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स, टू ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स इन ए नेविगेशन बार। चलिए सपोज यू हैव अ सिंगल पेज वेबसाइट, सिंगल पेज वेबसाइट, मल्टीपल सेक्शन है उसके अंदर, क्या है, नॉट मल्टी पेज वेबसाइट। जैसे आजकल ज़्यादा सिंगल पेज वेबसाइट भी बहुत चलती है, इंफॉर्मेटिव मतलब, तो आपका पोर्टफोलियो है। हैशिंग अलगो, हैशिंग अलगो, तो लाइक आई सेड स्क्रॉल स्पाई इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स इन ए नेविगेशन लिस्ट बेस्ड ऑन स्क्रॉल पोजिशन। सो जैसे आज कल सिंगल पेज वेबसाइट बहुत चलती है, सो सिंगल पेज में मल्टीपल सेक्शन होते हैं। अगर सपोज मुझे कहा गया, एक बंदा है मेरे पास, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, सिंगल पेज चाहिए शॉप के लिए और खुद के लिए पोर्टफोलियो खुद के लिए। अगर सिंगल पेज वेबसाइट है, सपोज वो करता है डील गारमेंट्स के साथ फॉर इंस्टेंस, या वो फोन्स बेचता है, तो ऊपर नेविगेशन होगा होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। बट सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए तो नीचे अबाउट सेक्शन एक डिवीजन बनाया होगा नीचे, तो सिंगल पेज जो अबाउट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा, अबाउट सेक्शन पे। ये स्क्रॉल स्पाई नहीं है, ये सिंपल है, डिवीजन को आईडी दी है, नेविगेशन के साथ उसको लिंक है, इट्स वेरी सिंपल, नो स्क्रॉल स्पाई कॉन्सेप्ट। स्क्रॉल स्पाई इज यूज्ड to automatically update links on the base of scroll position you are at. अब जैसे सपोज आपने साइट से स्क्रॉल, मल्टी पेज वेबसाइट, राइट नाउ यू आर स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, अब एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आ गए, यू डोंट नो व्हाट सेक्शन इज। अगर आपने स्क्रॉल्स पर यूज़ किया ऊपर, जिस नेविगेशन में जिस सेक्शन को बिलोंग करता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, उस पर कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इससे सीधे आएगा समझ वो कौन सा सेक्शन है हमारे पास। सपोज मैंने स्क्रॉल करके सर्विस सेक्शन पे पहुंचा, तो ऊपर ऑटोमेटिकली होम से वो लिंक कहाँ पे चली गई होगी, ऊपर, ठीक है। बट इस इन जगह में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका नेविगेशन बार है वो फिक्स्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर नेविगेशन बार फिक्स्ड नहीं होगा तो उसका कोई मतलब बनेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो लिंक है वो ऑटो अपडेट हो गई है, समझ आ रही है बात, श्योर। तो चलिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, बट रिमेंबर इसमें आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जब भी आपको स्क्रॉल स्पाई रखना है आपको उस सेक्शन को टारगेट करना है जो आपका स्क्रॉलेबल एरिया है। सपोज बॉडी के अंदर मुझे वो सारा डालना है, सो दैट मीन्स स्क्रॉलेबल एरिया कौन बढ़ेगा, बॉडी। सो दैट मीन्स बॉडी के ही अंदर हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना है कॉल्ड डेटा डैश स्पाई, उसके अंदर वैल्यू डालना है स्क्रॉल, क्या डालना है, डेटा डैश स्पाई, और उसमें वैल्यू क्या डालोगे आप, स्क्रॉल, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप लिंक्स को अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको आएगा समझ कि भाई कि ऑटोमेटिकली लिंक्स अपडेट हो जाए, लेकिन आपको स्क्रॉलेबल एरिया को भी ये मेंशन करना है कि भाई ये किसके साथ लिंक है, सो दैट मीन्स यू हैव टू यूज आल्सो डेटा डैश टारगेट प्रॉपर्टी, क्या यूज़ करनी पड़ेगी, डेटा डैश टारगेट प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू, डेटा डैश स्पाई इज इक्वल टू स्क्रॉल, वी विल एड दिस प्रॉपर्टी टू दैट एलिमेंट दैट शुड बी यूज्ड एज अ स्क्रॉलेबल एरिया। सपोज एक डिवीजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऊपर लिंक है, उसमें अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, आप चाहते हैं जब उसमें भी स्क्रॉल आए तो ऊपर ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, लिंक, तो आप उस डिवीजन को एक कौन सा एट्रीब्यूट डाल देंगे, डेटा डैश स्पाई स्क्रॉल। लेकिन अब जो सिंगल पेज वेबसाइट होते हैं उसमें पूरी बॉडी ही होती है हमारा स्क्रॉलेबल, तो हम बॉडी के ही अंदर क्या डालते हैं, स्क्रॉल स्पाई ऐड करते हैं, ठीक है। और डेटा डैश टारगेट क्यों ऐड करते हैं, वी एड डेटा डैश आर टारगेट एट्रीब्यूट विथ अ वैल्यू ऑफ द आई डी ऑफ द नेम सेट दैट विच यू वॉन्ट टू अपडेट ऑटोमेटिकली, या जो चीज़ चेंज हो रही है उसकी आई डी वहाँ पर आपने क्या करना होता है, यू हैव टू यूज़ दैट आई डी इन साइड डेटा डैश टारगेट। सपोज नेविगेशन इज अपडेटेड, सो दैट मीन्स इन साइड डेटा डैश टारगेट विच क्लास आई एम गोइंग टू यूज़, या अगर आपने डिविजन में आई डी यूज़ किए तो वही आप किसके अंदर मैंशन करेंगे, उसके अंदर मैंशन करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सेव दिस फाइल, उसका नाम रखेंगे डेटा डैश स्पाई, ठीक है, डेटा स्पाई डॉट एच टी,
चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी बूटस्ट्रैप फाइल जो है उनको क्या करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे। तो हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं सीरियल लिंक्स को क्या करूँगा, कॉपी करेंगे। और चलिए पेस्ट। चलिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, नेविगेशन क्या बनाना है, सो नेव टैग। चलिए बताइए बूटस्ट्रैप की क्लासेस कौन सी यूज करते हैं हम, शाबाश। नेवबार और विजिबल करने के लिए बीजी डैश डॉक। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस हाउ वी कैन क्रिएट नेविगेशन बार इन बूटस्ट्रैप, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो नेवबार बेसिक वेड हाइट लेगा, बीजी डॉक उसको क्या देगा, बैकग्राउंड कलर, सो बीच डैश डार्क। और यहाँ पे व्हाट एल्स वी हैव, चलिए एंकर डालते हैं। अभी हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स वाले पार्ट को टारगेट नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कैसे ये लिंक्स जो है वो ऑटो अपडेट हो जाएगी। सो लेट्स कॉल इट इट्स रेसिमोटेक सॉल्यूशंस। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं उसके बाद, बटन। बटन के अंदर क्लास कौन सा यूज करते हैं, नेवबार डैश टॉगलर क्लास, ठीक है, बटन, वो बटन आने के लिए। और स्पैन टैग यूज करेंगे, क्लास नेवबार डैश टॉगलर डैश आइकन क्लास यूज कर सकते हैं। चलिए ब्राउजर में ओपन करते हैं इसको, तो ये तो विजिबल नहीं हो रहा है, हालांकि होवर हैंड आ रहा है, कैन यू सी, हाथ आ रहा है ये देखिए, बट विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। इसलिए बी हम नेवबार डैश कौन सा क्लास यूज करेंगे, ताकि जो कंटेंट है वो विजिबल हो जाए। सी ये किसकी वजह से ये सेक्शन आ गया, बटन की वजह से, और इस वाले स्पैन क्लास की वजह से, जो आइकन से तीन लाइन्स उसकी वजह से आ गए। और चलिए अगर इसको रेस्पॉन्सिव रखना है तो नेवबार डैश एक्सपेंड डैश, तो मीडियम डिवाइस पे इसको रखेंगे रेस्पॉन्सिव। अब क्या हो जाएगा ये, अबे कुछ मसला है, शायद सेव नहीं हुआ, स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, अभी गायब, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं, नेवबार डैश ब्रांड, तो इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए हाँ, और अगर मोबाइल पे ले जाएंगे इसको मीडियम डिवाइस, तो इस तरीके से ये चीज़ विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो दैट में जब आपकी स्क्रीन की विड्थ कितनी चली जाएगी डिवाइस की, 767 पिक्सल्स, एमडी स्टैंड्स फॉर दैट क्लास। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपली, ये देखो यहाँ पे यूज क्या करूँगा मैं, आईडी लेट्स कॉल्ड माय नेवबार, इनसाइड इट वी यूज यूएल के अंदर, लाइक के अंदर एंकर्स यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले कौन सा क्लास यूज करते हैं, पहले हमें मेंशन करना है, लेट्स से सपोज दिस इज होम, दिस इज अबाउट, दिस इज सर्विसेज एंड दिस इज कॉन्टैक्ट, डन। कोई नहीं, थैंक्स टू कंट्रोल जी एंड थैंक्स टू विच डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड हियर, कंट्रोल जी में कौन सा यूज होता है, स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कंट्रोल जी ऑपरेशन इज वर्किंग ऑन दैट
एल्गोरिथम स्टैक लास्ट इन, जो लास्ट में लिखा होता है पहले आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल जी वर्क्स ऑन दैट वे, तो ये थोड़ा सा याद आ गया, यहाँ पे वही चीज़ मैंने ऐड कर दी है। तो चलिए, ये तो ये चीज़ आ गई और इस तरीके से ये एक ही लाइन में आ गए। अब इसमें हम कौन सा क्लास ऐड करेंगे? शाबाश, यूएल में हम क्लास ऐड करेंगे नैव बार डैश नैव क्लास इन वन लाइन, एंड फॉर प्रॉपर मार्जिनिंग, फॉर प्रॉपर मार्जिनिंग वी ऐड अ क्लास, इट्स अ नैव शाबाश नैव वर्ड और यहाँ पे नैव लिंक्स और यहाँ पे नैव आइटम आइटम्स समथिंग इज मिसिंग यस यस आई थिंक इट्स नैव बार नैव लिंक है बट नैव बार नहीं है, इट्स अ नैव बार नैव और वहां पे ऊपर नैव आइटम है, क्या बेटा? नैव आइटम नॉट, ठीक है। इस तरीके से वही सेम आ गया। चलिए, ये तो हो गई ये चीज, और साथ साथ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, लेट्स डू वन थिंग। अब अगर इस पूरे नया बार नए को मुझे कहाँ ले जाना है, राइट साइड ले जाना है, तो कैसे करेंगे? शाबाश, अगर इस पूरी चीज को मुझे कहाँ ले जाना है, राइट साइड, तो क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस वाले डिवीजन को हम क्लास करेंगे, कौन सा यूज? कोलैप्स और नया बार डैश कोलैप्स, दैट मीन्स अगर बटन पे क्लिक हो जाएगा शिफ्ट आई इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? बिकॉज हमने डेटा टॉगल में डेटा डैश टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स एंड डेटा डैश टारगेट इज इक्वल टू हैश माई नैव बार, ठीक है। अब इसमें वो कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी आएगी, सी परफेक्टली आ रहा है। अब हमें इसके साथ तो काम करना नहीं है, अब हमें करना क्या है? चलिए, अब हम नैव से बाहर जाते हैं, चलिए हम एक सेक्शन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लेट्स सी, एक डिवीजन है क्लास, उसको नाम रखेंगे, एक जंबोट्रॉन ऐड करेंगे, क्या करेंगे? जंबोट्रॉन, लेट्स सेव इट, ये आ गया यहाँ पे, बट चलिए इसको स्टाइल करके हम हाइट देंगे, क्या देंगे? लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 400 पिक्सल्स एंड लेट्स गिव इट अ बीजी डैश, कौन सा कलर? डेंजर, इतना आ गया। ओके, लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा सा और ऐड करते हैं 500, और चलिए इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं समझाने के लिए कि डेटा स्पाई कैसे वर्क। तो चलिए, ये हो गया हमारा एक सेक्शन, सपोज क्या, दिस इज अवर होम सेक्शन। अब इसी को हम क्या करेंगे बेटा, लेट्स टू कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी, तो फिलहाल आ गए हमारे कितने सेक्शन? चार। और चलिए इसको कलर देते हैं हम वार्निंग, आ गया हमारा कौन सा वाला सेक्शन? आप इसके बीच में स्पेस क्यों आ गई? जंबोट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? जंबोट्रॉन स्पेस छोड़ता है ना, तो अगर जंबोट्रॉन आप हटा देंगे तो ये बराबर
ठीक है। और अब ऊपर वाले को भी अगर आप जम्बोट्रॉन हटा देंगे तो ये जो पैडिंग ले रहा है वो नहीं आएगी, बिल्कुल साथ साथ आएगा, ठीक है, लाइक दिस। और चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग भी डाल सकते थे कि दिस इज आवर विच सेक्शन, होम सेक्शन, दिस इज आवर अबाउट सेक्शन, जो भी चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर पहले इस चीज को क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल एक्स, रैप इट एंड देन यूज H3, लेट्स से दिस इज अवर होम। हाँ, अब इसी को मैं यार यहाँ पे देखूँ, ठीक है, ठीक है, ये कुछ कट गया, सर्विसेज क्या डाल दिया मैंने, और इसको देंगे, चलिए कितनी चीजें आ गई, ठीक आ गए तीन सेक्शंस। अब कौन सा बच गया, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, ये बन रही एक सिंगल पेज वेबसाइट, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, चलिए यहाँ पे करते हैं, कौन सा कलर है, सिंपल डन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हमारे नेविगेशन बार को हम क्या करेंगे, फिक्स, सो व्हाट वाज़ द क्लास, फिक्स डैश टॉप, डन। नाउ सी, बट देखो आई एम स्क्रॉलिंग, तो ऊपर समझ नहीं आ रहा कौन सा सेक्शन है, तो जब मैं स्क्रॉल करूंगा जो ऊपर वाली लिंक से वो ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, तो करंटली अभी जो यूजर है वो किस सेक्शन में है, इवन अगर मैं क्लिक करूँ अभी मैं वहां पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम इन सभी की क्या देंगे, आईडी क्या देंगे, जैसे लेट्स कॉल इट दिस इज होम, लेट्स से इट्स अबाउट एंड लेट्स से दिस इज अवर कॉन्टैक्ट। है अब जो एंकर टैग्स है, एंकर टैग्स के अंदर दिस इज गोइंग टू बी हैश, आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे, अबाउट हैश कॉन्टैक्ट, ओ यस यस सर्विसेज, डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए अभी ये वर्क करेगा बट अभी स्क्रॉल स्पाई वर्क नहीं करे, अभी करंटली हम उसी सेक्शन में जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये अंदर जा रहा है किसकी वजह से, तो प्रॉपर मार्जिनिंग और पैडिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये पहली जा रहा है थोड़ा सा ऊपर, आ रही बात समझ, इसका एक ऑप्शन होता है ऑपोजिट वैल्यू, पहले ही पोजीशन देना, ठीक है, जैसे होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, तो ऐसे चल रहा है, लेकिन आप देखिए जो ही हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा डैश स्पाई इज इक्वल स्क्रॉल डेटा डैश टी आर जी टी टारगेट इज इक्वल टू हैश माय नया बार। अब देखिए सी
स्क्रॉलिंग, अरे करंटली जिस सेक्शन में मैं जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो सेक्शन खुद ही क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा फील अच्छा आता है। अगर इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी डाल दे तो कितना अच्छा लगेगा, समझ आ रही है बात? इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा स्पाई स्क्रॉल। क्लियर हो गए? तो ये आप सिंगल पेज वेबसाइट में रख सकते हैं कि भाई जब स्क्रॉल होगा, अब जरूरी नहीं है वेबसाइट में कोई एक स्पेशल सेक्शन होगा, वहाँ पे अंदर आपने आइटम्स डाले होंगे तो ऊपर कुछ मेन हेडिंग डाली होगी, तो वो आप ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी? डेटा डैश पाई इज इक्वल टू स्क्रॉल। तो ये आया समझ? तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, डेटा स्पाई स्क्रॉल कैसे यूज किया, व्हेन यू वांट टू अपडेट लिंक्स ऑटोमेटिकली ऑन वाया ऑन द बेस ऑफ स्क्रॉल पोजिशन, सो वी यूज डेटा स्पाई स्क्रॉल एंड डेटा टारगेट। जो चीज़ आपने ऑटो अपडेट करनी होगी उसकी आईडी वहां पे आप दे सकते हैं। सो ये आया समझ अच्छे से? कोई क्वेश्चन? सो आई थिंक दिस इज एनफ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।